इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनके अंदर में जो सीबीएफसी आता है वो एक पिक्चर को सर्टिफिकेशन देता है और उसको रिलीज करने को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। पद्मावती से उसका नाम पद्मावत कर दिया जाता है और रिलीज कर दी जाती है। उसके बाद सारे ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो हम देख रहे हैं, दंगेबाजी देख रहे हैं और न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी में बिल्कुल विफल रही है। और बहुत ही निंदनीय है कि ये घटना सामने आने के बावजूद ना ही देश के प्रधानमंत्री इस पर बात कर रहे हैं, ना ही कोई सरकार की तरफ से जवाबदेही लेने को तैयार है और सारे राज्य सरकारें जो हैं चुप्पी बांधे बैठी हुई हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी सरकार से कि ये चुप्पी क्यों, न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी, क्यों इस तरीके से ये जो घटना हो रही है सामने आ रही है उस पर कहीं भी सरकार ने काबू करने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था, उसको भी दरकिनार कर हम देख रहे हैं कि आपनधापी की जा रही है। तो ये जो भय का माहौल है, जो नफरत का माहौल है, जो इस तरीके का आंदोलन जहां पे लोगों की जाने जा रही हैं और नुकसान हो रहे हैं कारोबार के, उसकी जिम्मेदारी सरकार कब लेगी? मैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर खट्टर से पूछना चाहती हूँ और बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स गुजरात के रहे हैं या फिर राजस्थान के हैं या बाकी राज्यों में हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, कि इसकी जवाबदेही कब लेंगे और जिम्मेदारी कब समझेंगे। अब इन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर इस तरीके के, इतने महीनों से हम देखते आ रहे हैं। मैं एक चीज यहां पर टिप्पणी देना चाहूंगी, अगर आज फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स को अभिव्यक्ति की आजादी है तो वहीं हमारे संविधान ने जो लोग इस पिक्चर से सहमत नहीं है उनको प्रोटेस्ट करने की भी जिम्मेदारी, उनको अधिकार दिए हैं। पर वो अधिकार ये नहीं दिए हैं कि आप सारी न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे और इस तरीके का जो न्याय व्यवस्था है हम देख रहे हैं, लूटपाट हो रही है और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और आंदोलन बिल्कुल वायलेंट हो गया है, वो किसी को अधिकार नहीं मिला है। तो न्याय व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो एक तरफ है पर न्याय व्यवस्था जो चिरमराई है और इस तरीके का चुप्पी बांधकर सारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जवाब दे, पूरे देश को जवाब दे। आज पूरा देश देख रहा है टेलीविजन पे किस तरीके से ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं और सब चुप्पी बांधे बैठे हैं, सेंटर से लेकर सारी राज्य सरकारों में जो चुप्पी है और किसी तरीके का काम करने का या जिम्मेदारी लेने का वो जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, वो भी देश के सामने, लोगों के बीच में सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बकायदा वर्डिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट का पालन करने की जिम्मेदारी है वो राज्यों की है, तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं कि राज्य सरकारें विफल हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के पीछे, अपनी राजनीति को लेकर ही सरकारें चला रही हैं और वो लोगों की, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं उसको दरकिनार कर इस तरीके की घटनाएं को पनपने दे रही हैं।